दोस्तों आज देख सकते हैं हमारे पास एक मॉनिटर आया हुआ है जो कि 15 इंच का है। इसको हम टीवी में कन्वर्ट करेंगे और मॉनिटर को टीवी में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है ये सारी जानकारी हम देंगे। और दूसरी जानकारी आपको इसमें मिलेगा कि यूनिवर्सल बोर्ड हम कैसे लगाते हैं। सो ये पूरी डिटेल्स आपको हम इस वीडियो में देंगे। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे पूरी जानकारी पाने के लिए। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह की नॉलेजेबल कंटेंट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं दीपांकर मंडल। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमने मॉनिटर को ओपन कर लिया है और इसका जो LVDS केबल है ये हमारा काम आ सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल केबल ऑलरेडी लगा हुआ है। और इसमें जो बैकलाइट है वो सिंगल स्ट्रिप लगी है इसमें। और पावर सप्लाई देख सकते हैं, पावर सप्लाई इसमें लगा था ये वाली। तो ये पावर सप्लाई भी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भी काम हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें जो ऑप्टो कपलर है वो निकला हुआ है और इसकी जो जो ट्रांजिस्टर रहती है वो भी इसमें से निकला हुआ है। सो हम इसका सिर्फ सॉकेट निकाल लिए हैं क्योंकि हम दूसरा पावर सप्लाई लगाएंगे इसमें। ये वाली पावर सप्लाई हम लगाएंगे सॉकेट के साथ कनेक्शन करके। ये पावर सप्लाई मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। और ये यूनिवर्सल बोर्ड जो कि कस्टमर खुद देकर गए हैं, और ये 56U11 वाली बोर्ड है, काफ़ी पॉपुलर बोर्ड है ये। आप देख सकते हैं इसमें रेजोल्यूशन इनबिल्ड है, फ्री फार्मवेयर इसमें लिखा हुआ है। इसमें आपको 6-7 सॉफ्टवेयर इसमें इनबिल्ड है जो कि रिमोट से आप रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें पूरी चीज़ें तो नहीं है, ये बोर्ड देख सकते हैं 56U11 वाली बोर्ड है, काफ़ी पॉपुलर बोर्ड है, मार्केट में काफ़ी चलता है ये बोर्ड। इसी बोर्ड को इंस्टॉल करेंगे और इसका रिमोट देख सकते हैं, चाइना रिमोट है साथ में। ये बोर्ड लग रहा है कि कस्टमर ने इसमें लगाने की कोशिश किया होगा। आप देख सकते हैं इसका सेंसर, इसका की जो है ये निकला हुआ है, कटा हुआ है वायर। और इसका जो पावर सप्लाई वाली कनेक्टर है इसको भी सोल्डरिंग किए थे, शायद ये बोर्ड इसमें लगाने की कोशिश किया होगा, सो नहीं हो पाया इसलिए लेकर आया है हमारे पास। तो इसकी पूरी डिटेल देंगे। बोर्ड लगाने के लिए आपको बोर्ड में जो आपका पैनल है, पैनल और बोर्ड का मैचिंग होना चाहिए। मैचिंग बोले तो सॉफ्टवेयर इसका रेजोल्यूशन बोर्ड के साथ मैच, आपका पैनल के साथ मैच होना चाहिए। इस बोर्ड में कुछ रेजोल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है, 6-7 रेजोल्यूशन दिया है, तो आपको उसके लिए पैनल का रेजोल्यूशन पता करना है। वो कैसे पता करेंगे, यहाँ देख सकते हैं जो पैनल का मॉडल नंबर है, ये मॉडल नंबर आप गूगल से इसका डेटा निकाल सकते हैं। और वो डेटा कैसे निकालते चलिए वो भी हम बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट भी था कि गूगल से पैनल का डेटा शीट कैसे निकालते हैं। आप देख सकते हैं हम गूगल पे चले और जो पैनल का नंबर है वो हम सर्च करेंगे। यहाँ देख सकते हैं हम B15, ये देखिए नीचे टाइप करने लगे तो नीचे इसका नंबर आ चुका है, तो हम इसको एंटर किया तो नीचे देखिए ये वाली। अब PDF पे जाना है आपको, ये देखिए डेटा शीट, फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ देखिए डाउनलोड पैनल नंबर दिया हुआ है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका PDF फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद पूरी डिटेल यहाँ पे है, आप देख सकते हैं कोने पे आप एक बार कंफर्म कर ले सेम नंबर है या नहीं। यहाँ पे देखिए सेम नंबर आ चुका है। अब यहाँ पर हमें पूरी डिटेल मिलेगी पैनल की, ये देखिए 15.4 इंच की डिस्प्ले है ये। और फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पूरा स्पेसिफिकेशन लिखा है, यहाँ आप चाहे तो डायरेक्ट नंबर एंटर करके सेम जगह पर पहुँच सकते हैं। यहाँ देखिए पेज का नंबर है, तो हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, आपको पैनल की पूरी कुंडली यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ देखिए इसका जो रेजोल्यूशन है पिक्सल HV, और इस साइड में देखिए लिखा है 1280x800, ये इसका पिक्सल है, मतलब रेजोल्यूशन जिसको कहते हैं हम। और फिर नीचे चलते हैं, इसका पैनल की जो सप्लाई है यहाँ देखिए नॉर्मल इनपुट वोल्टेज VDD 3.3 प्लस 3.3 टाइप, ये इसका इनपुट वोल्टेज है। और भी नीचे लिखा होगा, ये जानना ज़रूरी है दोस्तों पैनल कितने वोल्ट का है, नहीं तो फिर आप वोल्टेज उल्टा उल्टा दे देंगे तो आपका पैनल ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर देखिए VDD मिनिमम 3 वोल्ट टाइप 3.3, मैक्सिमम 3.6 वोल्ट ही इसमें दे सकते हैं, मतलब ये 3.3 वोल्ट का पैनल है। और भी डिटेल आपको इसमें मिलेगा। LVDS की पिन कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर,
ये 4 पेयर का पैनल है, ये देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है पूरी पिन डिटेल्स यहाँ पर है, और ये 4 पेयर की पैनल है, 4 जोड़ी कनेक्शन है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये LVDS को हम लगाने के लिए आपको जानना ज़रूरी है कि किस साइड लगेगा। तो उसके लिए आप देखिए जो इसका यूनिवर्सल बोर्ड की जो कनेक्टर है, यहाँ पर आपको एक पिन खाली मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ एक पिन खाली है। इस साइड में आपको LVDS का रेड वायर रखना है। और दूसरी बात है, यहाँ आपको एक एरो का निशान मिलेगा। इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरो का निशान है, ये आपका रेड साइड है, बोले तो सप्लाई साइड। तो LVDS की जो रेड वायर साइड है वो आपको इसी साइड में लगाना है। बाकी चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक ये कनेक्शन हो जाएगा क्योंकि यूनिवर्सल केबल इसमें ऑलरेडी लगा था। LVDS लग गया। अब हमें इसका सप्लाई सेट करना है। ये पैनल हमें पता है, हमने डेटा शीट देखा है इसका, 3.3 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ देखिए एक जैक है 3.3 वोल्ट की, यहाँ एक जैक है 5 वोल्ट की, और उसके बगल में एक है 12 वोल्ट की। तो ये जैक को उठाकर आपको अपने सही वोल्ट पर सेट करना है। ये चीज़ बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आप गलती से अगर ये 5 वोल्ट पे लगा था, मान लीजिए ऐसे में अगर हम पैनल चालू कर देंगे टीवी को, तो पैनल ख़राब होने की संभावना होती है। यदि 12 वोल्ट पे लग गया तो आपका पैनल तो 100% तुरंत ख़राब हो जाएगी। तो हमने 3.3 वोल्ट पे सेट कर दिया, कंफर्म हो गया कि LVDS पे अभी 3.3 वोल्ट ही सप्लाई जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पावर सप्लाई कनेक्शन है, इसके साथ ही आपको जो बैकलाइट की कनेक्शन है एडजस्ट और BL ऑन वो भी मिलेगा। तो यूनिवर्सल जब हम लगाते हैं तो BL ऑन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, और जो एडजस्ट है इसको यूज नहीं करते। आप देख सकते हैं इस केबल में भी एडजस्ट का कनेक्शन नहीं है, सिर्फ BL ऑन का कनेक्शन है, पीली वाली वायर। तो आपको इसका रेड वायर देखना है, लेकिन रेड वायर देखकर आपको सप्लाई नहीं जोड़ना है, कन्फर्म भी करना है, क्योंकि कुछ कुछ कनेक्शन में उल्टा भी होता है। तो यहाँ देखिए रेड वायर में 12 वोल्ट है, और ब्लैक वायर में माइनस नेगेटिव है, और जो येलो वाली वायर है 12 वोल्ट सप्लाई के बगल में है ऑन, तो ये बैकलाइट ऑन है। तो इसका कनेक्शन हमने यूनिवर्सल पावर सप्लाई में कर दिया है। आप देख सकते हैं बैकलाइट ऑन दिए है, और नेगेटिव पॉजिटिव 12 वोल्ट की कनेक्शन इसमें हो चुका है। अब क्या देखना है हमें इसमें, इसकी जो कनेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें सप्लाई देंगे, ये देखिए सेट को ऑन करते हैं। अब इसकी साथ में जो रिमोट आया है, ये रिमोट काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका की भी निकाल दिया है। इसका रिमोट फंक्शन की से चेंज होता है। आप इसमें 3 रिमोट चला सकते हैं, सैमसंग, सोनी, LG। जो इसका जो की बटन है, बीच वाली की बटन जो नेगेटिव, जो प्रोग्राम प्लस माइनस, उससे चेंज होता है, इसमें नहीं हो रहा है। आपने देखा कि इस टीवी में 4 हिस्से में पिक्चर आ रहा है। पिक्चर लगा कर देखते हैं, ये देखिए मैपिंग का इशू भी है, जो कि रिमोट से सेट होगी। यहाँ देखिए 4 हिस्से में पिक्चर आ रहा है, ये पिक्चर 4 हिस्से में बटा हुआ है। तो ये रेजोल्यूशन का फॉल्ट है, मतलब इसका रेजोल्यूशन, इसका जो रेजोल्यूशन है 1280x800, ये रेजोल्यूशन मैच नहीं हुआ, इसलिए पिक्चर इसमें इस तरीके से बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ जो चैनल की लोगो है, ये 4 जगह आ रहा है। तो हम इसमें रिमोट से रेजोल्यूशन चेंज करेंगे। तो उससे पहले हम इसकी जो, ये देखिए इसका रेजोल्यूशन कोड है इनपुट 31181 से शुरू है, और 31187 तक ख़त्म होती है। देखिए हमने 31181 प्रेस किया तो ये पिक्चर बना है, लेकिन फिर भी दिक्कत है। आप देख सकते हैं पिक्चर राइट साइड में अंदर चला गया है, ये भी रेजोल्यूशन सही नहीं है। तो दूसरा लगाकर देखते हैं इनपुट, ये देखिए इसका जो साइज भी कुछ बड़ा आ रहा है, चेंज करते हैं इनपुट। पहले हम इसका मैपिंग सेट कर लेते हैं। इसका जो मैपिंग सेट करने के लिए आपको मेनू दबाकर 1147 प्रेस करना है, जो कोड खुलेगा आपका सर्विस मोड। हम जाएंगे पैनल सेटिंग में, पैनल सेटिंग में जाएंगे TI सेटिंग पे, TI मैप। देखिए यहाँ पर हम इसको 8 बिट पे करेंगे, 8 बिट की 10 बिट पे भी बन रहा है पिक्चर। खैर चलिए मैपिंग सेट हो गया, ये 10 बिट पे भी पिक्चर बन रहा है और 8 बिट पे भी बन रहा है।
देख सकते हैं इसमें पिक्चर नीचे जो डिश टीवी लिखा हुआ है, डिश फ्री डिश लिखा है, ये अंदर राइट साइड में चला गया है। और ऊपर का जो लिखा है आप देख सकते हैं चैनल का कुछ बॉक्स कुछ लिखा है, ये भी राइट साइड में। हम जूम से देखते हैं, जूम इन आउट करके, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम यहाँ देखिए इस साइड में कर रहे हैं तो ये तो अंदर आ रहा है लेकिन राइट लेफ्ट साइड से कटने लगा है। ये देखिए इसमें रेजोल्यूशन मैच नहीं हुआ है अभी तक। ये देखिए, तो हम इसको ऑटो पे रखते हैं, इसको हम, ये देखिए इसको हम ऑटो पे रखते हैं। इसमें रेजोल्यूशन हमें सही रेजोल्यूशन इसमें डालना होगा तब जाके पिक्चर सही होगा। यहाँ ऑटो पे हम इसको सेट करके रख देते हैं। ये देखिए हम इसमें रिमोट फंक्शन में जितना भी रेजोल्यूशन कोड है इसमें सभी आपको एक बार हम चेंज कर करके दिखाते हैं। चलिए इसमें 1 से लेकर 7 तक बोलो तो इनपुट 31181 से लेकर 31187 तक इसका कोड है, अलग अलग रेजोल्यूशन है। इनपुट 31182 1 हम पहले किए थे। जब हम कोड चेंज करेंगे तो टीवी बंद होकर फिर चालू होगा और रेजोल्यूशन चेंज होगा। एक टीवी बंद हुआ फिर चालू हुआ, देखिए ये अलग तरह का फिर आया, छोटा हो गया। और फिर हम और एक रेजोल्यूशन देखते हैं, इसका सभी रेजोल्यूशन अलग अलग देखेंगे। ये देखिए फिर दूसरा कोड देते हैं 31183। ये देख सकते हैं फिर दूसरा टाइप का आया। दोस्तों ये बोर्ड आपको मार्केट में जब परचेस करने जाएंगे तो आपको दुकानदार भी यही कहेगा कि इसमें सॉफ्टवेयर इनबिल्ड है, कोई दिक्कत नहीं, आप सेट कर सकते हैं। बात सही है, इस बोर्ड में 7 रेजोल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है। इस 7 रेजोल्यूशन में से अगर आपका पैनल मैच होता है तो चलेगा, यदि इन 7ों में से आपका पैनल नहीं है तो आपका टीवी नहीं चल पाएगा, आपको अलग से सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा उस रेजोल्यूशन का। तो हम जानते हैं कि इस टीवी में 4 पेयर का कनेक्शन है और इसका रेजोल्यूशन इस बोर्ड में नहीं है, फिर भी हम आपको करके बता रहे हैं। इसका 7 तक हम करेंगे, उसके बाद रेजोल्यूशन कोड और लेगा नहीं। सो आप देख सकते हैं हम हर कोड को यूज़ कर चुके हैं लगभग, अभी 1187। ये देखिए 87 में वही कंडीशन है। और देखते हैं 8 पे आता है क्या, 31188 नहीं लगा, क्योंकि इसमें 7 रेजोल्यूशन ही है। अब क्या करें, इस टीवी में आपको ये बोर्ड लगाना है इस डिस्प्ले में, इस पैनल में, तो आपको इसमें इसका सेम रेजोल्यूशन चाहिए 1280x800 वाली, तो ही इस डिस्प्ले में पिक्चर सही बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। उसके लिए देखिए हमारे पास इसका सॉफ्टवेयर सभी अवेलेबल है। सो यहाँ देखिए 56U11 वाली, यहाँ चाइना रिमोट में देखिए ये इतना ही रेजोल्यूशन इस बोर्ड में होता है। ये देखिए 2 3 4 5 6 7 इतना ही रेजोल्यूशन इस चाइना बोर्ड में होता है, लेकिन हमें अलग रिमोट में देखते, देखिए एलजी रिमोट में जो है हमारे पास, देखिए कितना सारा इसका रेजोल्यूशन है, लेकिन एलजी का रिमोट नहीं है हमारे पास, सैमसंग का रिमोट है। तो सैमसंग का देखेंगे, देखिए सैमसंग का भी कितना सारा रिमोट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 1280x800 रेजोल्यूशन, ये देखिए 1280x800। हम इसको कॉपी करेंगे और पेन ड्राइव के थ्रू डालेंगे, ये सब हमारा पेन ड्राइव फाइल है, इसके लिए प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, इसको हम पेन ड्राइव में डालेंगे। ये देखिए हमारे पेन ड्राइव में कुछ दो फोटो है और मेरा कुछ वीडियो है एडवर्टाइजिंग की। सो इसको रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कोई फाइल नहीं होना चाहिए आपके पेन ड्राइव में, मतलब दूसरा और कोई सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए आपके पेन ड्राइव में। दूसरा कोई फोटो रहेगा वीडियो रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए, एक ही सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो आप अपडेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम सॉफ्टवेयर फिर लेंगे, सैमसंग पे जाएंगे, सैमसंग से यहाँ उठाएंगे 1280x800 वाली, ये वाली, इसको हम सेंड टू यूएसबी ड्राइव हो गया। अब यूएसबी ड्राइव खोलते हैं, यहाँ देखिए फोल्डर है, आपको फोल्डर पे नहीं रखना है, फोल्डर से बाहर रखना है। तो हम गलती से फोल्डर लेके आए, तो इसको हम कॉपी करके यूएसबी के बाहर ही पेस्ट करेंगे, कट, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ऐसे आपको सॉफ्टवेयर बाहर रखना है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं रखना है।
इसको डिलीट कर देते हैं फोल्डर को। ये देखिए ये डिलीट हो गया, ये बाहर है सॉफ्टवेयर हमारा जो कि 1280x800 वाली रेजोल्यूशन है, ये आ गया। अब हम पेन ड्राइव निकाल लिए, टीवी को पहले ऑफ करना है और फिर आपको पेन ड्राइव यूएसबी में डालना है। ये देखिए ये सॉफ्टवेयर जब ले लेगा तो कोई इशू नहीं रहेगा, आपको सिर्फ मैपिंग सेट करना होगा। ये देखिए जब हम टिप पेन ड्राइव कनेक्शन दिए तो ये ऑटोमेटिक ये रेड ग्रीन होने लगा। जब कंप्लीट होने लगेगा तो ये फास्ट हो जाएगा लाइट, ये बहुत कम वक्त में हो जाता है। ये देखिए लाइट फास्ट हो गया, मतलब ये सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए टीवी चालू हो चुका है, स्नो भी आ चुका है। देखिए पेन ड्राइव को हम पहले निकाल लेंगे, लेकिन इसी कंडीशन में सेटिंग करने के बाद हम फिर ऑन ऑफ करेंगे तो फिर सॉफ्टवेयर ले लेगा और इसी जगह पे आ जाएगा फिर से। अब हम इसमें सैमसंग, ये देखिए हमारे पास मास्टर रिमोट है, हम इसको सैमसंग में करेंगे अभी। इसके लिए ये लगभग दोस्तों 200-300 टीवी में ये रिमोट काम कर सकते हैं, मेरे पास पता है मेरे को। यहाँ देखिए सैमसंग सेट 3 दबाना है तो ये सैमसंग होगा, यहाँ सेट बटन एक साथ दबाना है आपको, सेट और 3 एक साथ प्रेस कर देंगे, लाइट जला, सैमसंग पे हो गया, अब ये काम करेगा। सेट 2 पे सोनी है, सेट 1 पे एलजी है, बाकी इसमें ऑटो सर्च भी है, ऑटो करके आप करा सकते हैं। ये देखिए पिक्चर ओके हो चुका है, इसका पहले लैंग्वेज सेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मनोरंजन टीवी नीचे सामने लिखा हुआ आया हुआ है, वो भी बाहर आ चुका है, और नीचे जो फ्री डिश लिखा है ये भी आ चुका है सही जगह पे। रेजोल्यूशन इसमें ओके रेजोल्यूशन सेट हो चुका है, इसका लैंग्वेज इंग्लिश हो चुका है। अब इसका सर्विस मोड खोलेंगे, मीनू 1147 सर्विस मोड खुल चुका है। अब जाना है हमें पैनल सेटिंग में, यहाँ नीचे आएंगे पैनल सेटिंग, यहाँ पर पैनल एडजस्ट, इस पर जाएंगे, हम आएंगे टी आई मैप। अब यहाँ पर हम 8 बिट पे सेट करेंगे, ये देखिए 8 बिट TI0, इसमें पिक्चर इसमें ओके बन रहा है। अब देखिए इसमें कुछ सेटिंग भी है, अब यहाँ पैनल सेटिंग में जाएंगे, मान लीजिए आपका पिक्चर उल्टा है तो सीधा कैसे करेंगे, ये पैनल मिरर इसको ऑफ है, ऑन करेंगे तो ये पैनल पिक्चर उल्टा हो जाएगा। हम इसको ऑफ करके रखते हैं क्योंकि हम जब सेट करेंगे मॉनिटर को बॉडी में तब देखेंगे सीधा है या उल्टा है, सो इसको ऑफ ही रखते हैं। और एक सेटिंग है स्पेशल सेटिंग, इस पर जाएंगे, पावर आप चाहे तो ऑन रख सकते हैं, लास्ट सेटिंग रखते जो भी रखते हैं, टीवी ऑन करने से ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, रिमोट से जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए लोगो सेटिंग, लोगो सेटिंग में LG, सैमसंग, सोनी, तोशिबा, कई सारा टीवी का इसमें लोगो आपको ऑलरेडी इनबिल्ट मिल जाएगा। और इसमें कैप्चर भी होगा जो कि आप USB के यहाँ पे कैप्चर से आप USB के जरिए आप कुछ फ़ोटो भी इसमें डाल सकते हैं। तो हम सैमसंग का रिमोट डाले हैं तो सैमसंग का ही लोगो इसमें डाल देते हैं और फिर बाहर आ जाएंगे। ये देखिए बाहर आ गए, बंद करके चालू करेंगे टीवी ऑटोमेटिक चालू होगा क्योंकि हमने पावर भी ऑन रखा है, और लोगो भी देखिएगा सैमसंग आएगा। ये देखिए टीवी ऑटोमेटिक ऑन होगा, ऑन हो गया, ये देखिए सैमसंग का लोगो आ चुका है। देखा दोस्तों बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ी सी जानकारी की ज़रूरत है। मैं ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए आज YouTube पे अपलोड करता हूँ कि कई लोग नए लोग मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं और काम करते हैं, सो उनकी उनको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए इस बारे में, इसलिए मैं इस वीडियो को रखा हूँ। और दोस्तों यदि आप नए हैं और आपको जानकारी की आवश्यकता है तो आप मेरा ग्रुप है, सपोर्ट ग्रुप है, उसमें जुड़ सकते हैं, थोड़ी बहुत फीस आपको पे करनी होगी। तो ग्रुप से जुड़ने के बाद आप इस तरह की सारी जानकारी ले सकते हैं और हम फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं पूरी, जो फॉल्ट फाइंडिंग में आपको हम मदद करते हैं, उसमें कई लोग जुड़े हुए हैं और देख सकते हैं इसमें इसका डिश की जो लोगो है वो भी क्लियर आ चुका है, पिक्चर भी इसमें कंप्लीट ओके है। और दोस्तों सॉफ्टवेयर की अगर इशू है तो सॉफ्टवेयर भी आपको अवेलेबल कराया जाता है ग्रुप में, सो ग्रुप से जुड़ने की इच्छा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं,
दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।